नमस्कार दोस्तों, एक बर्थडे पार्टी में बीजेपी नेता ने ही पहाड़ी कोरवा जनजाति की युवती से ही गलत वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने बताया जा रहा है कि उसे हिरासत में ले लिया है और पूरा मामला जसपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है। यह घटना 3 दिन पुरानी भी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता और समरदार का पूर्व जनपद पंचायत सदस्य सरुए पैकराज बगीचा थाना क्षेत्र में आयोजित एक परिचित के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। वहीं पर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष जनजाति पहाड़ी कोरवा की युवती अपने बेटा बेटियों के साथ आई हुई थी और बर्थडे पार्टी में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इसी का फायदा उठाकर बीजेपी नेता बताया जा रहा है कि कुछ दूर पर घर से ले गया है और बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी बीजेपी नेता युवती को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया और सुबह सुबह जब मनरेगा का काम करने के लिए कुछ महिलाएं गई हैं तो वहां पर युवती को दिखाया है और इसी दौरान जानकारी उसके परिवार वालों को दी। परिवार उसे घर लेकर पहुंचे हैं और इसके बाद पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और युवती और उसका परिवार थाने पहुँच गया और मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा रही थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जैसे ही इस घटना का पता चला है तो पुलिस पर दबाव बढ़ा है और FIR दर्ज कर ली गई है। इसके बाद बीजेपी नेता सरवे पैकराज को हिरासत में ले लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।